एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, जिस तरह के बात हमने की थी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस पर और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एलिमेंट हम मोस्टली यूज करते हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। यानी सेमीकंडक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो कंडक्टर से कम पास होते हैं। यानी हम जानते हैं कि थ्री टाइप से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं होती, कंडक्टर्स में इजीली करंट पास होती है, और जो सेमीकंडक्टर्स होती है उसमें फ्रैक्शनल करंट पास होती है, कम करंट पास होती है। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। देखिए, सेमी हम आमतौर पर हाफ को बोलते हैं या कम को, स्मॉल को बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर मीन जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। एन टाइप का मतलब है कि इसमें नेगेटिव टाइप चार्जेस होते हैं। नेगेटिव टाइप यानी नेगेटिव टाइप का मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप, यानी इसमें जो चार्जेस मूव करते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव टाइप है, या इनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हम इसको शॉर्टली कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स किस तरह बनते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं वो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो ग्रुप फोर से बिलोंग करते हैं। ग्रुप फोर से जो हम यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ग्रुप फोर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अगर ये ग्रुप फोर से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल हम सिलिकॉन कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ सिलिकॉन, ये एक ग्रुप फोर का एलिमेंट है। अब देखिए, एक न्यूक्लियस होता है, इसको मैं यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। एन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस, ये हम न्यूट्रॉन या कोई और पार्टिकल शो नहीं कर रहे, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अब चूंकि हम जब कंडक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ हम लास्ट शेल कंसिडर कर लेते हैं, तो बाकी एटम को हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते, जस्ट हम लास्ट शेल देखते हैं कि इस एलिमेंट का लास्ट शेल किस तरह होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज होते हैं। अब देखें, लास्ट शेल में चूंकि फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके लास्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप होता है। अब इसमें अगर फोर इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो देखें इसको शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या तो ये फोर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और या फिर इस शेल को रिमूव करने के लिए ये फोर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट करेगा, किसी और एलिमेंट को देगा, तब भी जो है लास्ट शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये शेल रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें इस केस में हमारे पास अगर ये हाफ फिल्ड है, हम जानते हैं कि ये हाफ फिल्ड शेल है हमारे पास, क्योंकि एट चाहिए और इसमें फोर है तो ये हाफ फिल्ड है, इसीलिए इसके लिए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना किसी और एलिमेंट से या इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना, इसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है। या हम आसान लफ्ज में ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, यानी ये इतने ज्यादा एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं, इनकी बाउंडिंग जो है, बाउंडिंग का मतलब है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम यहाँ पर बॉन्डिंग का नाम देते हैं। देखिए, जो फोर्स है इनके दरमियान वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं इन शेल्स में, यानी इनको मूव करना डिफिकल्ट होता है। ये जो देखिए स्प्रिंग लाइक शेल शेप्स हम शो कर रहे हैं, इनका मतलब है फोर्सेस जो इनके दरमियान है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री नहीं है, यानी अगर फ्री नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकेगा, और अगर मूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो एक्चुअली किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से। जब भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं सो वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर हमारे पास चार्जेस मूव नहीं करते तो वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब चूंकि इसमें चार्जेस मूव नहीं करते तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट मूव नहीं करता, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पर हम लिख लेते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है जो पावर होता है,
इंट्रिंसिक यानी जिसमें कोई इम्प्यूरिटी शामिल नहीं होती, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक एग्जांपल है। लेकिन हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एक टेक्निक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम इसकी जो कंडक्टिविटी है यानी इसमें जो चार्जेस की फ्लो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। डोपिंग क्या है, हम जस्ट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। डोपिंग का मतलब है एडिंग इम्प्यूरिटी, यानी जब हम किसी इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के साथ कोई इम्प्यूरिटी मिक्स कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब हम डोपिंग दो तरीकों से कर सकते हैं, एक हम ग्रुप 5 की एलिमेंट को इसके साथ अटैच करते हैं और एक हम अटैच कर लेते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को। सो जो एन टाइप है हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसमें हम ऐड कर लेते हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को। देखिए ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को जब हम यहाँ पर इसके साथ डॉप कर लेते हैं, इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, तो क्या होता है, पहले तो हम ये शो कर लेते हैं कि जो हमारे पास फिगर है, फिगर को देखिए आप, जो दरमियान में हमने शो किया हुआ है वो ग्रुप 5 का एक एलिमेंट है। आप कंसिडर कर लीजिए हमारे पास है फास्फोरस, फास्फोरस चूंकि फास्फोरस ग्रुप 5 का एलिमेंट है। अब चूंकि ग्रुप 5 का एलिमेंट है तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। और अगर आप देखें जब हम इसको ऐड कर लेते हैं सिलिकॉन के साथ, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो कि ग्रुप 4 का सेमीकंडक्टर है, अब सिलिकॉन का जो जो एटम्स हमने शो किए जो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, देखें उसके जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो हमने शो नहीं किए वो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। इसमें लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमने शो किए फिगर में, और जो लास्ट 1 1 इलेक्ट्रॉन है वो शो नहीं किए गए, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। ये इनके 4 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो देखिए जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है, जब फास्फोरस इन 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है, तो क्या होता है कि इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी एक्चुअली जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। देखें शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं दो एटम्स के दरमियान, वो इस रीजन में ज्यादा टाइम गुजारते हैं। यानी हम जानते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन जिस रीजन में ये शेयर हो जाते हैं, जो रीजन दोनों का शेयरिंग रीजन है, उसमें इनका टाइम जो है वो ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा ये स्टे करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है चूंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम गुजारते हैं, इसीलिए ये एरिया दोनों का है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हम दोनों के साथ कंसिडर कर लेते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं और इसके साथ भी हैं, दोनों के शेयरिंग एरिया में है। इसी तरह देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरे इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, एक इसका इसके साथ शेयर कर लेता है और एक इसके साथ शेयर कर लेता है, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के लास्ट शेल में। देखिए हर एक जो है वो एक एक फास्फोरस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है उसके एटम्स के साथ, लेकिन फास्फोरस के चूंकि लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर फ्री रह जाता है। देखिए आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रह गया। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया इसकी एनर्जी कम होती है, या हम यू कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है लूजली बाउंड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं लूजली बाउंड होता है। यानी लूजली बाउंड का मतलब ये है कि इसकी उनके साथ जो एनर्जी है वो कम होती है, इसीलिए इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम और भी ज्यादा एटम्स इनके साथ ऐड कर ले, इम्प्योरिटी कर ले, इम्प्योरिटी ऐड कर ले, तो अगर हर एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि हम मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट फिर इस किस्म के मटेरियल में हमारे पास चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो हमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए वो एक्चुअली डोपिंग की वजह से आ गए, मिक्सिंग की वजह से आ गए, और डोपिंग जब हमने की वो ग्रुप 5 का था, तो ग्रुप 5 का एलिमेंट जब आप डोप करते हैं ग्रुप 4 के सेमीकंडक्टर से, तो हमारे पास बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हमारे पास फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट जो है वो नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इसीलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं।